सब्सक्राइब कीजिए मेडलिफ्ट वीडियोस को, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और अधिक मेडलिफ्ट वीडियोस देखने के लिए। क्या तुम से किसी को चाय बनाना आता है? मैंने उसमें पत्ती डाल दी, वो चाय डाल दी। क्या तुम्हें पता है जरा सा भी, उसमें पत्ती नहीं डाली जाती। और मेरी रिसर्च कहती है उसमें गधे का मूड डाला जाता है। ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर चाय कैसे बनती है? ये बात तो तुमको अपनी माँ से पूछनी चाहिए थी। हम तो पबजी में बिजी थे, कैसे पूछते। चाय में सबसे पहले नमक डालता है, फिर मिर्ची, फिर उसके बाद में करेला डालना पड़ता है। क्या? लेकिन कभी मुझे करेला का स्वाद नहीं आया चाय में, और ना ही नमक मिर्ची का। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं आरटी फेल हूँ, लेकिन इस बार पास होके दिखाऊंगा। वाह मेरे शेर, मैं एक लड़की को टिपाने के चक्कर में फेल हो गया। तभी तुम सब चूतिया हो, इसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या रासायनिक प्रक्रिया? गधे की गांठ रासायनिक प्रक्रिया, ये हमें चूतिया बना रहा है साला। कभी रसगुल्ला खाया है? हाँ, वो भी एक नहीं दस दस पीपे। उसमें कभी गधे की टट्टी का स्वाद आया है? ओह नो। क्या रसगुल्ला गधे की टट्टी? हाँ सही सुना, गधे की टट्टी। मुझे डेरी मिल्क चॉकलेट पसंद है, तो फिर वो किससे बनी होती है? मत पूछो, इसकी गांठ थोड़ी पूछ रहा हूँ जो ना पूछूं। बताइए किससे बनी होती है? हाँ बताइए, मुझे भी चॉकलेट का शौक है, मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, इसलिए किससे बनी होती है? ये छिपकली की झाँट की बनी होती है, मैंने कहा था इसको मत पूछो। गधे की टट्टी छिपकली की झाँट से तो बड़ी यही है। ये पतासी किससे बनी हुई होती है? ये लाल वालों वाली लड़की पूछ रही है। देखो मैं तुमको सब बताऊंगा, थेनोस डिनर पे आ रहा है, हम उसको कुछ चीज़ें बना बना के खिलाएंगे, फिर तुम सबको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें किन किन से बनी हुई होती है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कैप्टन अमेरिका, आज से तू छिपकली की जाट है।